नमस्कार, सिक्योर अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्त, मैं हूं दिलीप और आज हम स्टडी करने वाले हैं प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू की। ये सेशन बहुत ही दमदार होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार आता है। पूरी 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, एक क्वेश्चन अगर आपने एक सेशन स्किप कर दिया, मिस कर दिया, तो आप अपना एक से दो नंबर आप खो बैठोगे। इसीलिए कह रहे हैं इसको बहुत ध्यानपूर्वक देखना, बहुत कंसंट्रेट होकर इसको समझने की कोशिश करना, क्योंकि हम यहाँ पर प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू तो बताएंगे डिजिट का, लेकिन हम डेसिमल प्लेस का भी बताएंगे, डेसिमल नंबर्स का भी बताएंगे, दशमलव संख्याओं का भी, स्थानीय मान और जाति मान बताने वाले हैं। इसलिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको एक नंबर में या दो नंबर में जरूर देखने को मिलेगा, चाहे वो दशमलव संख्याओं का निकालना हुआ हो या चाहे आपका नंबर का निकालना हुआ हुआ। ओके, लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, अगर हमें प्लेस वैल्यू या फेस वैल्यू निकालना हुआ है तो सबसे पहले देखो कोई संख्या ले लेते हैं, कोई भी संख्या, ठीक, एक्स वाई जेड कोई ले लेते हैं। मान लो प्लेस वैल्यू पहले निकालते हैं, स्थानीय मान, इसे क्या कहते हैं, स्थानीय मान, सॉरी स्थानीय मान, और इसको क्या कहते हैं, फेस वैल्यू क्या कहते हैं हम, जातीय मान या अंकित मान, जातीय या अंकित मान, अंकित मान। ओके, इतना चीज क्लियर हुआ। प्लेस वैल्यू क्या कहते हैं, स्थानीय मान कहते हैं, और फेस वैल्यू क्या कहते हैं, जातीय मान या अंकित मान कहते हैं। इज दैट क्लियर। फिर बात करते हैं प्लेस वैल्यू, मान लो कोई कोई भी संख्या ले लो, एक्स वाई जेड कोई भी हम संख्या ले लेते हैं। ओके, कोई संख्या ले लेते हैं, अब इनका तो अगर हमें प्लेस वैल्यू निकालना हो, सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान पहले हम देख रहे हैं, बाद में फेस वैल्यू देखेंगे। कोई संख्या एक्स वाई जेड हमने लिया, अब सबसे पहले इनका हम क्या निकालते हैं, स्थानीय मान निकालते हैं। पहला किस पे है, कौन सी संख्या, ठीक, यहाँ पे यक्स कोई संख्या, जेड कोई संख्या है या वाई कोई संख्या है, और जेड कोई संख्या है, यक्स कोई संख्या है। ओके, अब इसका हमें प्लेस वैल्यू निकालना हुआ है, ये किसके स्थान पर है, ये इकाई के स्थान पर, किसके, इकाई, इसे क्या कहते हैं, यूनिट, यूनिट। ये दहाई के स्थान पे है तो इसको हम टेंस कहते हैं, टेंस। ये सैकड़ा के स्थान पर इसको हम क्या कहते हैं, हंड्रेड कहते हैं। इसी तरह से जिस तरह से क्रम में संख्या आगे बढ़ती जाएंगी, उसी तरह से इसका वैल्यू भी बढ़ता जाएगा। क्लियर माय पॉइंट। अब इन संख्याओं का अगर हमें निकालना हुआ, जब यूनिट के स्थान पर, मतलब इकाई के स्थान पे है, हिंदी में क्या कहते हैं, इकाई के स्थान पर है, टेंथ के स्थान पर, इसको मतलब दहाई के स्थान पर है, दहाई के स्थान पर है, हंड्रेड लिखा हुआ था तो इस मतलब सैकड़े के स्थान पर है। क्लियर। अब इनका हमें प्लेस वैल्यू निकालना हुआ है तो जेड गुणे इकाई कितना है, क्या हो जाएगा, जेड मल्टीप्लाई बाई वन, इकाई है तो एक से गुणा किया जाएगा, बराबर जेड हो जाएगा। वाई, वाई गुणे दस, बराबर टेन वाई या दस वाई। यक्स, यहाँ पे सैकड़ा है तो सौ से गुणा कर दो, यक्स गुणे सौ इज इक्वल टू सौ यक्स। ये आपका प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान निकल के आ जाएगा। समझ में आया क्या, अब इसे हम डिजिट में समझते हैं। ओके, कोई बात नहीं, डिजिट में समझा रहे हैं, वेट। अब मान लेते कोई संख्या जैसे 9673, इसका मुझे स्थानीय मान निकालना है, इसका हमें क्या करना है, प्लेस वैल्यू निकालना है, प्लेस वैल्यू, वैल्यू स्थानीय मान निकालना है। तो सबसे पहले इसे हम देखेंगे कि किसके स्थान पर है, इकाई के स्थान पर, किसके स्थान पर है, इकाई, यानी यूनिट के स्थान पर है। ये किसके स्थान पर है, दहाई, यानी टेंस के स्थान पे है। ये किसके स्थान पर है, सैकड़ा, यानी हंड्रेड के स्थान पर है। नौ किसके स्थान पर है, थाउजेंड, यानी हजार के स्थान पर है। ओके, अब इनका हमें प्लेस वैल्यू निकालना है। अगर इनका हमें प्लेस वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर तीन इकाई के स्थान पर है, गुणे एक कर देंगे, ठीक। ये सात दहाई के स्थान पर है तो सात गुणे दस कर देंगे। छः सैकड़ा के स्थान पर है, हंड्रेड के स्थान पर है,
तो 6 इज मल्टीप्लाई बाई 100 और 9 हजार के स्थान पर है तो 9 इज मल्टीप्लाई बाई 1000। ओके तो 3 वन जा 3 हो जाएगा, 7 टेन जा 70, फिर 600 में मल्टीप्लाई करेंगे 600 और 900 अगर 1000 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 9000। ओके अब इसे ना समझ में आया कि आपको इस तरह से हमें प्लेस वैल्यू निकालना जाता है, यानी कि जिस संख्याओं का हमें स्थानीय मान पूछा रहता है, अगर इनमें से ऐसा पूछा जाता है कि इनमें से किसी एक संख्या का स्थानीय मान बनाओ तो आप इस तरह से निकाला जाएगा, तो अगर इन संख्याओं को अगर हम जोड़ देते हैं तो यही संख्या हमें पुनः प्राप्त हो जाएगी, ये चेक करने का एक माध्यम है। तो 9000 प्लस 600, 9600 प्लस 70 है प्लस 3 73, यानी कि 9673, 9673 क्लियर। इस तरह से हमें प्लेस वैल्यू निकाला जाता है। अब थोड़ा और समझते हैं, अगर बीच में कहीं शून्य डिजिट आ गया, शून्य संख्याएं आ गई, तो उसका प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे, आइए समझने की कोशिश करते हैं। अब मान लो हम कह रहे हैं 8092 का स्थानीय मान निकालो, स्थानीय मान, अगर इनका स्थानीय मान निकालना हुआ है तो सेम वही रूल्स फॉलो करेगा, ध्यान रखना क्या फॉलो करेगा, सेम वही रूल्स फॉलो करेगा। इसके लिए भी यहाँ पे दो इकाई के स्थान पर है तो 2×1 कर दो, ठीक, 9 दहाई के स्थान पर है तो 9×2 कर दो, ठीक, सॉरी आई एम सॉरी 9×10 कर दें, ओके, 0 सैकड़ा के स्थान पर है तो 0×100 कर दो, ठीक, 8000 के स्थान पर है तो 8×1000 कर दो। लेकिन अगर इस तरह से पूछा गया ये तो सबका निकल जाएगा, ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, 2×1 दो, 9×10 90, 0×100 बराबर 0 और 8×100 1000 बराबर 8000। ध्यान रखना जीरो से अगर किसी संख्या में गुणा किया जाता है तो वह संख्या जीरो ही होती है, जीरो से अगर कोई भी संख्या से कोई भी डिजिट लो उसको अगर जीरो से आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसका जो आंसर प्राप्त होगा वो जीरो ही प्राप्त होगा। इज दैट क्लियर माई पॉइंट, इसलिए यहाँ पे 0×100 कर रहे हैं तो यहाँ पे जीरो ही आएगा, क्लियर, आगे बढ़ें। अब देखो इसी क्वेश्चन को दोबारा कर रहे हैं, क्वेश्चन अगर अब पूछा जाता है, क्या सिर्फ इतना पूछा जाएगा, अगर इतना पूछा जाता है इसमें 9 का स्थानीय मान बताओ, में इस तरह लिख दिया गया 92 में से 9 का स्थानीय मान बताओ, स्थानीय मान, ठीक, तो कैसे निकालोगे, सेम यही निकाल दोगे, क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन ए 80, ऑप्शन बी 90, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी कोई नहीं, इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा, तो सिर्फ वही रूल सबको फॉलो करना है कि 2×1 बराबर 2 हो जाएगा, तो 9 दस दहाई के स्थान पर है तो 9×10 बराबर 90, इस प्रकार ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके तो इस तरह से आपका स्थानीय मान निकाला जाएगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर जिसे हम कहते हैं फेस वैल्यू, क्लियर, अब फेस वैल्यू देखते हैं, यानी किसी संख्या का उसका फेस वैल्यू क्या होगा, या उसका जातीय मान क्या होगा, या उसका अंकित मान क्या होगा, ठीक। अब फेस वैल्यू की बात करें, फेस वैल्यू यानी कि जातीय मान या अंकित मान, जातीय मान एक इस तरह से होगा, फेस वैल्यू की बात करें यानी कि स्वयं वही संख्या जैसे 3257 में 2 का जातीय मान क्या होगा, जातीय मान बताओ, मान बताओ, चलो फटाफट आंसर करो क्या होगा इसमें, इसमें 2 का जातीय मान क्या होगा बताइए, पॉइंट कर रहे हैं, क्या होगा जातीय मान, फेस वैल्यू। देखो इस तरह से अगर क्वेश्चन रहता है तो हमें क्या करना है, यानी कि जातीय मान उसका स्वयं का मान यानी कि फेस वैल्यू, अगर कोई व्यक्ति मेरा फेस देखे हो ना तो मेरा फेस दूसरा चेंज थोड़ी हो जाएगा, मेरा फेस यही रहेगा,
जो आप हमेशा देखोगे। इसलिए इसका फेस वैल्यू जो होगा वो दो ही होगा किसी भी कंडीशन में, चाहे वो दो चाहे लाख के स्थान पर हो, फिर भी उसका जो फेस वैल्यू होगा वो सिर्फ दो ही होगा, किसी वस्तु का अंकित मान सेम ही रहेगा, ठीक है। इसलिए इसमें इसका फेस वैल्यू क्या होगा, ऑप्शन में दिया रहेगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, क्या हो जाएगा, सैकड़ा के स्थान पर 1000 यानी कि 2000 हो जाएगा, इस तरह से दिया रहेगा। ऑप्शन में क्या दिया जाएगा, एक तो दो दिया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या है 2000 दिया रहेगा, ऑप्शन नंबर तीन सी क्या है 1995 दिया रहेगा, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं दिया रहेगा। इसमें से आपको क्या चूज करना है, इसमें अगर आपको लगेगा क्या होगा, इसका जो फेस वैल्यू होगा वो दो ही होगा, क्योंकि किसी वस्तु का फेस वैल्यू जो होगा, किसी डिजिट का फेस वैल्यू जो होता है, उसका जातीय मान जो होता है वह सेम वही संख्या होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार अगर हम डिजिट चेंज करते हैं, अगर हम कहते हैं 9671 में सात में सात का जातीय मान क्या होगा, जातीय मान क्या होगा, ठीक। अब ठीक है, ये तो इकाई के स्थान पर है, ठीक, एक गुणे एक बराबर एक, सात दहाई के स्थान पर है तो सात गुणे 10 बराबर 70, ये इसका जातीय मान हो जाएगा, फेस वैल्यू हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल गलत है। अभी हमने क्या बताया, जातीय मान वो स्वयं संख्या होती है जो स्वयं को ही लिख दिया जाता है सेम, इसलिए तो इसका स्थानीय मान निकल जाएगा अगर आप इस तरह से निकालेंगे, तो इसका जो जातीय मान होगा वो क्या हो जाएगा, इसका जातीय मान स्वयं सिर्फ सात होगा। इज दैट क्लियर माई पॉइंट, ठीक है। अब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब हम जो देखेंगे वो देखेंगे क्या कि दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, डेसिमल, दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान और जातीय मान ठीक, दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान और जातीय मान देखने की कोशिश करते हैं। दशमलव संख्या मान लो कोई संख्या हो गई 467.92, इसका हमें सबसे पहले हम इसका जातीय क्या देखेंगे, स्थानीय मान देखेंगे, क्या का स्थानीय मान, स्थानीय मान ठीक, का स्थानीय मान देखेंगे। ध्यान रखना, अब इसको किस तरह से निकालेंगे, इस तरह से निकालेंगे क्या, दो गुणे किसके स्थान पर, इकाई के स्थान पर है, दो गुणे एक, नौ गुणे 10, सात गुणे 100, इस तरह से निकालेंगे क्या, नहीं, टोटली गलत हो जाएगा इस तरह से अगर निकालेंगे, ध्यान रखना इसके लिए। अब हम पढ़ रहे हैं दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान, तो ध्यान रखना, दशमलव को ध्यान में रखते हुए काम करना है। ये जो दशमलव संख्या है इसको मान लेते हैं हम कोई लक्ष्मण रेखा है, लक्ष्मण रेखा मान के चलो, क्योंकि इसके आगे हमें नहीं बढ़ना है, ध्यान रखना, ना तो इसको इसके आगे आना है, ना तो इसको इसके आगे जाना है, इसको एक लक्ष्मण रेखा मान के चलो, ठीक है, लक्ष्मण रेखा मान के चलो। अब यहाँ पे देखते हैं सात किसके स्थान पर है, सात गुणे एक, छः किसके स्थान पर है, छः गुणे 10, चार किसके स्थान पर है, तो चार गुणे 100, ऐसे में सात गुणे एक सात हो जाएगा, छः गुणे 10 बराबर 60 हो जाएगा, और चार गुणे 100 बराबर 400 हो जाएगा, टोटल कितना हो गया 467, ठीक है, इस तरह से निकाला जाएगा हमेशा, क्लियर। अगर इसमें फेस वैल्यू पहले स्थानीय मान देखते हैं, इस तरह से आपका निकल के आ जाएगा। लेकिन अगर दशमलव की इस पर की संख्याओं का अगर प्लेस वैल्यू निकालना हुआ होता है, दशमलव के बाद की संख्याओं का अगर हमें स्थानीय मान निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं इसके लिए, इसके लिए जो हम करते हैं, आइए देखते हैं क्या होगा इसका, अगर हम जो करेंगे वो क्या हो जाएगा, जैसे ही दशमलव से इस साइड आएंगे तुरंत क्या हो जाएगा, इसका अगर स्थानीय मान पूछा रहता है तो 9 क्या हो जाएगा, बटे 10 हो जाएगा, तुरंत बटे में आ जाएंगे। लेकिन ऐसा मत करना कि 9 गुणे 1,
नौ गुणे एक मत करना, जिससे इस तरह से इकाई को मान लिया जाता है, इकाई दहाई सैकड़ा, इसलिए यहाँ भी इकाई से चलेगा। नहीं, बिल्कुल गलत है, ये वाली संख्या जो होती हैं दशमलव के इस साइड ही चलती हैं, इस साइड इसका रूल्स नहीं चलता, पूरी तरह से गलत हो जाएगा। इसमें जैसे ही आप इस दशमलव की इस साइड जाओगे तुरंत तुरंत दस लगेगा, दहाई लगेगा, ठीक। तो इसका जो होगा नौ का नौ बटे दस, अगर दो का निकालेंगे तो दो बटे सौ, जितनी संख्या इधर जाएंगे उतना जीरो बढ़ता जाएगा उसके नीचे। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर। फिर हम आगे समझने की कोशिश कर, अब दशमलव संख्याओं का जातीय मान देखते हैं। मान लो कोई दशमलव डेसिमल डिजिट हो गया, कोई दशमलव संख्या हो गई। डेसिमल नंबर्स की बात करें तो डेसिमल नंबर मान लो 8752.613। अब इसमें पूछ लिया गया कि छः का जातीय मान क्या होगा, छः का जातीय मान, ठीक, छः का जातीय मान, छः का और सेवन सात का जातीय मान क्या होगा, जातीय मान यानी कि फेस वैल्यू क्या होगी। इज इट क्लियर, वी आर टॉकिंग अबाउट फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल नंबर्स, सो प्लीज फोकस व्हाट आई एम गोइंग टू डिलीवर गाइस। ये बहुत ही कंसंट्रेट होकर आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, कि अगर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि फेस वैल्यू निकालने के लिए, तो छः का सबसे पहले देखते हैं, तो छः का फेस वैल्यू क्या होगा, छः ही होगा, और सात का फेस वैल्यू सात ही होगा, क्योंकि इसके साथ कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, चाहे वो डेसिमल नंबर्स में हो, चाहे वो नंबर सिस्टम में हो, कहीं भी हो, चाहे वो दशमलव संख्या में हो, चाहे दशमलव की संख्या में ना हो, फिर भी उसका जो फेस वैल्यू होता है, उसका अंकित मान जो होता है, उसका जातीय मान जो होता है, वो हमेशा वही संख्या होगी जिस संख्या को पूछ रहा होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट में जरूर अपना राय व्यक्त कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।